हम दर्दर ठोकर खा के आए हैं। रजनीश के पास भी गए थे कहने के लिए क्रांतिकारी था साला। उसने कहा ये रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई को गले लगाओ, यहाँ गिरो, यहाँ लड़ो, यहाँ मरो, फेल होकर तो ठीक, यहाँ तक पहुंचे हम। आई फेल्ड माय वे टू सक्सेस। जो लोग बॉम्बे आते हैं एक्टर बनने के लिए, चार बंगला भाड़ा जाके ऑडिशन देते हैं, नॉक करके बोलते हैं डू आई फिट द पार्ट, और ज्यादा करके लोग बोलते हैं नो यू डोंट। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें? क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा? हाय पादर शर्मा, वेयरएवर यू आर, एक वो शिया मुसलमान औरत जिसने मुझे गणेश जी की कहानी सुनाई, तो उसने बुलाया मुझे, नजदीक हॉस्पिटल में था, नजदीक बोला इधर आ, अब तो मुझे तुझे कामयाब देखना है, जब तक तू कामयाब होता नहीं ना तो मैं मरने वाली नहीं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप अड्डा, जिसमें अलग अलग क्षेत्र की हस्तियां आती हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं लल्लनटॉप अंदाज में। संस्कृत का एक शब्द है अकुंठ, कुंठा से मुक्त। हम तमाम जिंदगी हसरतें पालते हैं कि अकुंठ जीवन जिए, जैसा मन में है उसे कह सकें, अपने सब सत्य स्वीकार कर सकें। यहाँ काली कमीज में एक आदमी बैठा है, इसके कई परिचय हैं। अंग्रेजी के जर्नलिस्टों से पूछिए, वो धोखनी सुलगाते हुए तो बोले हाँ यार कोई नहीं मिल रहा, तो एक विंडो में भट्ट साहब को बैठा दो। तो भट्ट साहब की एक इमेज ये भी है कि वो सेक्स से लेकर सेटेलाइट तक और रुई से लेकर सुई तक हर चीज़ पर बात कर सकते हैं। महेश भट्ट का दूसरा परिचय ये है कि वो यूजी कृष्णमूर्ति, ओशो, जिंदगी के जटिल सवाल, दर्शन से लेके मनोविज्ञान तक जुड़े हुए, उन पर जब बात करेंगे तो वो बात किताबी नहीं होगी, आत्मानुभूति से जुड़ी होगी। मेरी और मुझे लगता है इस दुनिया के हर इंसान की औरतों में बड़ी दिलचस्पी होती है, पुरुषों की खास तौर पर। माँ ने पैदा किया, किसी ने प्यार किया, बाप के तौर पर बेटी के होने की हसरत भी होती है। महेश भट्ट एक ऐसे इंसान हैं जो औरतों के बारे में बहुत अकुंठ भाव से बात करते हैं, सब रिश्ते स्वीकारते हैं, सब भाव प्रकट करते हैं, इसलिए मेरी महेश भट्ट में दिलचस्पी बढ़ जाती है। और चौथा, ये आदमी बेखौफ होकर कहता है कि यार तुम लोग अर्थ सारांश की तारीफ करते हो, मुझसे पूछते हो क्यों नहीं बनाते हो, सिनेमा हॉल में देखने नहीं आते तो इसलिए नहीं बनाता हूँ, गैंगस्टर देखोगे तो गैंगस्टर ही बनाऊंगा, फिल्म मेकर हूँ। तो ये जो क्लैरिटी है ये भी आपको चकित करती है। तो ऐसी तमाम खूबियों खामियों के पुतले महेश भट्ट का बहुत स्वागत है। उनके बगल में रिया हैं। रिया ने पहली हिंदी फिल्म की थी मेरे डैड की मरुति, जो कि चंडीगढ़ में थी, और मैंने चंडीगढ़ में कुछ बरस नौकरी की है, तो वहाँ की शोखियाँ मुहावरे की तरह हैं। मतलब एक लड़कों के बीच ना बॉयज़ क्लब में एक ऐसे जैसे कल्ट बनते हैं ना, मैं तो बनते हैं सब फलाने कॉलेज की, जैसे दिल्ली में आके हमें पता चला LSR के बारे में, मिरांडा के बारे में, मुंबई में, पुणे में भी कुछ सोफिया और इस तरीके के होंगे ना। तो इन्होंने बड़ी कमाल की फिल्म की थी, वो डैड की मरुति, बहुत मज़ेदार फिल्म है, एक्टिंग सबने बहुत अच्छी की है। और ये भाई साहब वरुण हैं, खूब सारे इन्होंने ऐड किए हैं, और ये पहली फिल्म है। दरअसल पहली फिल्म होनी नहीं थी, पर था और है के बीच का बड़ा फासला होता है। पहली फिल्म इरफान और मीरा नायर वाली होनी थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भाई साहब जो गौर से इन तीनों लोगों को देख रहे हैं, ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और इनका नाम है पुष्पदीप। माशाल्लाह बड़ी जवान उम्र में आपको भट्ट साहब ने कमान संभाल दी, शायद अपने अनुभवों से लैस रहे हैं इस वजह से। तो पुष्पदीप जी से बात करेंगे, शुरू करते हैं। उम्र कितनी है? 32। हमने 22 साल की उम्र में शुरू किया था, मंजिलें और भी हैं। चलिए 22 साल से कुछ साल और पहले चलते हैं। एक लड़का है जो एक फिल्म स्टूडियो के दरवाजे पे चौकीदार को चकमा देके भीतर पहुंचता है अपने कॉन्फिडेंस के जरिए। दर्शकों को वो किस्सा बताइए सर। घर में हालात कुछ बिगड़े, बाप दो घरों के बीच में बटा हुआ, हमारा जो रिश्ता उनके साथ में हमेशा कुछ बिगड़ा सा रहा। तो माँ ने कहा बेटा रोजगार तलाश कर, तो हम निकले। पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती नहीं थी, समझ में नहीं आता था, डिसलेक्सिक थे, एक पेज 10 मरतबा पढ़ते थे, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती थी, क्या है किससे कहानियाँ कहने का शौक था। तो
हमारी एक कज़न थी, उन्होंने कहा कि राज खोसला साहब हैं जिनकी जिनका दफ्तर है महबूब स्टूडियो में, आप वहाँ जाएं और उनसे मिलें। तो हम गए, दोपहर का वक्त था, हमको याद है कि हम इस एहसास के साथ गए थे कि हम जाएंगे, दरवाजे पे रोकेगा साला हमको चौकीदार। तो उसने रोका हमको, कहाँ जाना है? मैंने कहा वो अंदर जाना है राज खोसला साहब के ऑफिस में। नहीं नहीं ऐसे जा नहीं सकते। अरे हमने कहा बुलाया हमको यार, ऐसे थोड़ी हम जाते बिना बुलाए। उसने हमारे आँख से आँख मिलाई, उसने देखा कि जिस अंदाज से हमने कहा, लगा कि कुछ वाकई बुलाया होगा। तो उसने आ जाओ, और फिर हम अंदर आए और फिर राज खोसला साहब से मुलाकात हुई। राज खोसला साहब ने सवाल हमसे जो उस वक्त पूछा था, उनके एयर कंडीशन का ऑफिस था, पीछे गुरुदत्त की तस्वीर लगी हुई थी, वो खुद बैठे हुए थे, वो नींद से जागे हुए थे। अंग्रेजी पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट मूवीज? तो मैंने कहा नो सर। बड़ा आदमी, उसने कहा गुड, जीरो इज अ गुड फिगर टू बिगिन फ्रॉम। वहाँ से सफर शुरू हुआ, गिरते बढ़ते 50 साल काट ही लिए हमने। खूब मजे के कटे। अरे ऐसे वैसे कैसे हल्ला मचा दिया साहब ने। जीने का अंदाज हो तो कुछ ऐसा हो। एक शेर कहा था हमारे एक मित्र था कुशबीर सिंह शाद ने, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें। उन्होंने शेर मेरे को डेडिकेट किया था, लखनऊ के हैं खुशबीर सिंह साहब। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। ये जो फिट इन का कल्चर है, उसमें जो आदमी अपनी चाल चलता है, अपने स्वभाव को अपनाता है, ये हम दर दर ठोकर खा के आए हैं। रजनीश के पास भी गए थे, कहने के लिए क्रांतिकारी था साला, शब्दों का व्यापारी था वो। एक व्यक्ति मेरा पूज्य कृष्णमूर्ति, उसने कहा ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सच्चाई को गले लगाओ, यहाँ गिरो, यहाँ लड़ो, यहाँ मरो, कुछ क्षण खुशी के, कुछ क्षण दुख के, अपनी ज़िंदगी जियो, थोपो मत अपनी सोच किसी पे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, क्योंकि वो है, उसको तोड़ के उखाड़ के दूसरे डालने से कोई मतलब नहीं है। रेवोल्यूशन के नाम पे कुछ करोगे मगर स्टेटस क्वो ही हो जाओगे तुम। उसमें हमने अपनी ज़िंदगी जी। हम भी गए थे स्पिरिचुअल सुपरमार्केट में मोक्ष की तलाश में, मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गिरने पड़ने से कुछ ज्ञान ज़िंदगी का हासिल किया, वो अपने बच्चों से शेयर करते हैं। मगर अच्छा कटा, जितना कटा, और अभी तो खेल ही रहे हैं, 70 ईयर्स के हो गए हैं, मगर एक गहरा एहसास है कि इतना कुछ समझने के बाद कुछ समझा नहीं हमने एक्चुअली। अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ नॉट नोइंग इज़ व्हाट इज़ अ रियलिटी। और यही है जो पुष्पदीप की नज़रों से कुछ सीखता है, रिया के हंसने से कुछ सीखता है, वरुण के टोकने से कुछ समझता है कि कुछ है उसके पास। जब तक ये होगा तब तक ये तराशते रहेंगे, क्योंकि जीवन हमसे इनके मुंह से कुछ कहता है। ये हमारी तराशदी है कि हम सुनते नहीं हैं। हम तो अपने बच्चों की बात हमेशा सुनते आए हैं। हम बचपन में जब अपने माँ बाप से बात करते थे या अपने बड़ों से कहते थे, तो हमको कहता है ये अपनी बात सुनता क्यों नहीं है। जो जीते हैं वो तो जो बोलते हैं उससे बिल्कुल विपरीत जीते हैं। बचपन में समझ में आ गए, घर वाले झूठ बोलते हैं, स्कूल टीचर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, तो कुछ अजीब सा एक खेल। आप ऐसी बातें करते हैं, इसीलिए आलिया को बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती थी आपसे बात करने के लिए। आलिया को बिल्कुल हिम्मत जुटानी नहीं पड़ती। That's what she said. नहीं नहीं, आलिया आलिया जो है मेरी एनर्जी से थोड़ी सी वो चकाचौंध हो जाती थी, क्योंकि सब मरे बुझे हुए लोग मिलते थे उसको। हाँ, हम उसको जब पाँव दबाने के बहाने बुलाते थे, और क्योंकि वो जब पाँव दबाती थी तो हम उसको 1000 रुपये देते थे। अरे वाह। और हमने आलिया को एक बात सिखाई थी जो आज भी दोहराती है कि बेटा 75% लेके आओगी तो मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, 50 ले आओगी तो 2000 दूंगा, 35 लाओगी तो 5000 दूंगा, फेल हो जाओगी तो 10000 दूंगा। फेलियर का खौफ ही निकाल दिया हमने।
क्योंकि हमको तो सारी उम्र डराया बचपन में लोगों ने, फेल हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाओगे या गिरोगे तो धूल जो है झाड़ के फिर से खेलना शुरू कर दोगे, ऐसी क्या होगी। ये जो डरने का जो खौफ है, फेल होने का जो खौफ है, इनको जो घेर के रखता है, अब इनकी रिलीज सर पे जो मंडरा रही है, तो इनका जो बुरा हाल है, तो हमने कहा कुछ नहीं, फेल होकर तो यहाँ तक पहुँचे हम, आई फेल्ड माय वे टू सक्सेस, दैट्स अ फैक्ट। और शाहीन, तीसरी बेटी शाहीन ने जो आज किताब लिखाई, उसकी रिलीज हुई है जो I have never been unhappier. Yeah, it's a book on depression. Shaheen Bhatt साहब की तीसरी बेटी हैं। उसने number two है पूजा के बाद में, आलिया सबसे छोटी। अच्छा, आलिया शाहीन से छोटी है। शाहीन ने एक पुस्तक लिखी थी और depression का वो शिकार हैं। She is a patient of depression and she is being treated. मगर उसने इतनी एक सच्ची, इतनी हिम्मत वाली किताब लिखी है कि मैं कायल हो गया उसका। आई बिकेम अ फैन ऑफ हर्स बिकॉज जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं, मेरा जिस्म जो है कांप रहा था कि इतनी ईमानदारी से अपने अंधेरों से आंख मिलाने का जज्बा इतनी छोटी उम्र में। उसने एक बात कही थी, जब मैं 70 साल का हुआ तो उसने मुझे लंदन से एक लेटर भेजा जो मेरे को आलिया ने पढ़ के सुनाया, और उसने कहा कि माई फादर इज माई हीरो एंड माई फ्रेंड, my hero not because he is perfect, my hero because he told me it's okay to be imperfect, in fact he made me perfect the art of imperfection. aur wahi lamhe the jab usko lagta tha ki main kuch adhoori si hu, duniya kuch sampurna nazar aati hai ya dikhati hai sampurna hai to usme shayad main fit nahi hoti, isse mujhe aapne kaha ki beta jaisi ho सही हो, यू डोंट नीड टू बी फिक्स्ड, कुछ जबान वबान सीख लो, कुछ मल्टीप्लिकेशन एडिशन सीख लो रोज़गार के लिए, बाकी हम हैं पीछे, हम तुम्हारे माँ बाप है, कोई इतनी झूठी ओढ़ी भी दिखाई भी तहजीब को तोपने वाले कोई अब गेस्टापो नहीं है, बाप हैं तुम्हारे, दोस्त हैं, हाथ थाम के रखेंगे। तो उसने हिम्मत दी, उसने वो अंधेरी रात का सामना इसलिए किया क्योंकि पीछे एक दोस्त था जो बाप के रूप में आया था। ये 70 साल की उम्र में सबसे बड़ी जो गिफ्ट थी मेरी वो ये थी, जब समझ में आया कि द ट्रूथ इज वे योर वुंड इज, जहाँ वो जख्म होता है वहीं पर वो सच होता है, यही इसकी कहानी है जलेबी की। जलेबी की तरफ रुख करते हैं, ट्रेलर देखा मैंने और आपने कहा कि जो जैसा है वैसा ही रहे, सहज रहे, इनका किरदार और इनका किरदार जैसे हैं वैसे रहने की कोशिश करते हैं तो कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ऐसे में क्या किया जाए बताइए रिया, कुछ आपका भी ज्ञान लिया जाए। ऐसे में जलेबी देखनी चाहिए। ऐसे में क्या कर सकते हैं, अभी आप किसी से प्यार करते हो वो अलग होते हैं, आप अलग होते हो, उनकी दुनिया भी इतनी अलग हो सकती है जैसे कि इस पिक्चर में देव और आयशा की है। एक पुरानी दिल्ली का टूर गाइड है, उसकी समझ अलग है, उसकी दुनिया अलग है। एक बम्बे की लड़की है, दिल्ली आई है अपनी किताब लिखने, अब प्यार हो गया है, प्यार किस पे किताब लिख रही है पता नहीं, सब्जेक्ट ढूंढने आई है, पिक्चर में बाद में उसको मिल जाता है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट ढूंढते ढूंढते उसको लड़का मिल जाता है जिससे प्यार हो जाता है उसको। अब ऐसा तो होता ही है हमारे रियल लाइफ में कि प्यार कोई दस्तक दे के तो नहीं आता, जब होता है ज़्यादा करके आपको लोग यही बोलते हैं कि भाई इससे मत करियो या इससे मत करना, ही इज़ नॉट राइट फॉर यू, शी इज़ नॉट राइट फॉर यू, पर राइट रॉन्ग कौन किसके लिए है ये किसी को पता नहीं है, और इसका सल्यूशन मेरे हिसाब से जलेबी में है, पर उतना मैं बता दूंगी तो पिक्चर कौन देखेगा फिर। क्योंकि ये यक्ष प्रश्नों में से एक है, एक तरफ प्यार एक तरफ परिवार, परिवार कहता है तू उसके साथ शादी करेगा तो अपनी माँ को मरा समझ लियो, ये हम हर दूसरे घर में होता है ना, माएँ ये जानती भी नहीं कि जब वो ये उलाहना देती हैं कि अच्छा पत्नी आ गई तो तुम हमसे ऐसे बात करने लगे, तो बेटों को कितना कष्ट होता है, आपने दो पार्टों के बीच में दबा दिया उनको, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी क्या सलाह है, क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द फिल्म? अपार्ट फ्रॉम द फिल्म लड़कों को क्या करना चाहिए,
लड़कियों को देखो, लड़कियों को वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो. लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में इक्वालिटी ढूंढती फिर रही हैं. आपको दिख रहा है आज तो बहुत ही लड़ रहे हैं हम. आई थिंक एक रिलेशनशिप ही एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर लड़कियों को लड़ना नहीं पड़ना चाहिए. आई थिंक लड़कों को भी लड़कियों को समझना चाहिए, और अगर आप समझ जाएंगे लड़कियों को, जो काफ़ी सिंपल है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बात हम बोल देते हैं, तो फिर काफ़ी आसान रहेगा लड़कों के लिए. क्या करना चाहिए लड़कों को? कुछ नहीं, अपनी अपनी तीन कैमरे के पीछे हैं और मैं बहुत सिंपल एडवाइस दे रही हूँ आपको, बस लड़कियों की बात सुनिए. आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बीवी है, जो भी है, आप उनकी बात सुनिए, बात खत्म है वहीं. It's over. Be a good listener. Just listen. Don't try to have the last word. No. मेरे पापा से सीखा है मैंने ये. मैं पापा को देखती, मेरी मम्मी जो भी बोले बस उनकी बात सुन लेते हैं और बोलते हैं हाँ सही तो बोल रही हो. शायद मैं नहीं, that's a stereotype. But नहीं, शायद मैं उनसे agree करता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से kindergarten में जाने से पहले जिंदगी के सारे जो lessons अपनी माँ से सीखे थे. वो प्री वर्बल फेज होता है, एक शब्दों से पहले का एक जीवन होता है जहाँ पर माँ की बंगड़ियों की आवाज़, उनके दिल की धड़कन, उनकी जिस्म की महक, वो सारी जो है एक नॉन वर्बल, कुछ नहीं कहते हुए खामोशी से कुछ माँ का तो आपके कान में भूखती है, वो आपके रूह में जाके बैठ जाती है. हमारी माँ ने बचपन में हमको कहा, बेटा तू नागर ब्राह्मण का बेटा है, तेरा तेरी अश्विन शाखा है, भार्गव गोत्र है, तू ब्राह्मण नागर है, मगर बेटा डर लगे तो याली मदद बोल देना, क्योंकि थी मुसलमान. अब ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान का रंग, और हम साले अंग्रेजी स्कूल में जाके पढ़े सिलेजन प्रीस. तो हमने तो स्कूल में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें सीख ली थी, फिर माँ की विजडम अलोन सर्वाइवर जिसने पाला बच्चों को, और फिर बहनों की विजडम, और फिर बेटियाँ घर में जब तीन बेटियाँ हो और आप और बिल्लियाँ भी जो दो, और फिर आपकी डोमेस्टिक हेल्प वो भी महिलाएं, तो वो कलेक्टिव विजडम जो है उससे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है. क्योंकि हम चांद पे जाने की बात कर सकते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, मगर जब आपको दरअसल आपका शर्ट का बटन जो टूट जाता है तो फिर सुई धागा जो है ढूंढ के उसको सीना, ये जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड का जो एक चैलेंज है उससे जूझना तो माँ ही सिखाती है, औरतें सिखाती. तो देयर इज अ काइंड ऑफ विजडम इन लिसनिंग टू वुमेन, ये एक सच्चाई है. एंड मर्दों ने जो ये बात बहुत ही एफर्टलेसली सीखी है, उनकी जीवन में समस्याएं कम हुई है. दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. देखा, यू एग्री विद इट? इज दैट द ओनली वे? शायद मैं अभी तक नहीं सुनता आया हूँ बात, बट ये जैसे इन्होंने बोला कि औरतें बहुत सिंपल होती हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, मेरे मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. स्टीरियोटाइप है, मतलब जैसे हर तरह के आदमी होते हैं वैसे हर तरह की औरतें होती हैं. हाँ करेक्ट. आई थिंक शायद स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ मैं बोलते हुए, लेकिन आई थिंक दे वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जितनी मेरी रिलेशनशिप्स हो चुकी हैं वो बोलती कुछ हैं और मतलब बोलना कुछ और होता है. तभी मैं इनको मूवी में भी इनका एक डायलॉग है जो ये बोलती हैं कि क्या बोलते हो, I'm not good at keeping in touch, तो याद मत रखना. तो मतलब बोलना कुछ और है इनको लेकिन बोलती कुछ है. तो मेरे हिसाब से तो जलेबी की तरह सब कॉम्प्लिकेटेड होती है सारी. हाय बेचारा, तो करें क्या? पता नहीं सर, भट्ट साहब से ही पूछना पड़ेगा. ये तो है, बस गिरो पड़ो के बाद सम हैप्पी मोमेंट्स, सम सैड मोमेंट्स, बैलेंसिंग गेम, कभी खुशी कभी गम. पुष्पदीप भारद्वाज बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म, ऐसे वो जो अंग्रेजी के उपन्यासों में लिखते हैं पेट में तितलियां वितलियां उड़ रही, वैसा कुछ हो रहा है क्या गुरु? सर हो तो ऐसा रहा है कि डायनासोर अगर जिंदा होते सर नहीं सौरभ सौरभ ऐसा हो रहा है कि अगर डायनासोर जिंदा होते तो शायद वही कूद रहे. अच्छा, पर वो रहे नहीं, अब रहे नहीं. तितलियों जैसा छोटा कुछ नहीं है मेरे पेट में, तितलियों जैसा छोटा कुछ है. आप 9 साल से इंडस्ट्री में हैं, ज़्यादा है काम नहीं दिया किसी ने. अच्छा, 9 साल से फाइट मार रहे हैं. हाँ, 9 साल से मैं जद्दोजहद में लगा हूँ कि कहीं काम मिले. कास्टिंग की? हाँ कास्टिंग की है, मतलब मैंने टेलीविजन में रहा, मैं कुछ टाइम मैंने कास्टिंग की है, क्रिएटिव रहा हूँ एक अच्छे शोज पे. एक्टिंग इंस्ट्रक्टर? हाँ, वर्कशॉप्स लेता था, पैसे तो कहीं से चाहिए थे ना. तो क्या पुष्पदीप की कहानी वैसी कहानी है कि वो VT पे उतरा लड़का और
चार दोस्त एक कमरे नहीं, नहीं, नहीं सर मैं मेरी कहानी कैसी है, मैं थिएटर वगैरह करता था, डैड ने कहाँ के रहने वाले हैं, मैं दिल्ली से हूँ सर, प्रीत विहार इसके आगे का बर्ड आया गनीमत जब भी कोई बोलता है ना दिल्ली से हूँ आप कहाँ जा रहे हैं जी पर मैं दिल्ली से हूँ बीप जी तो जब मैं यहाँ से थिएटर वेटर करता रहता था, स्कूल वूल खत्म किया और मैंने निफ्ट का एग्जाम दिया, तो मैं निफ्ट के जरिए बॉम्बे पहुँचा हूँ। तो डैड ने गोल्डन टेम्पल में चढ़ने से पहले एक लाइन बोल दी थी कि बेटा ना तो राकेश रोशन हूँ और ना अमिताभ बच्चन हूँ, तो हमसे कोई उम्मीद रखना मत, मुझे पता तुम वहाँ क्या करने के लिए जा रहे हो। तो उसके बाद से मेरी फाइट लगातार चलती रही, निफ्ट खत्म किया तो मेरे वहाँ पे स्ट्रगल करने से पहले ही मेरी ज़िंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड आ गई थी, उसने मुझे पहले एज अ गर्लफ्रेंड पाला, फिर मुझे लगा कि अभी भी कुछ सहारा नहीं है तो उसने बोला शादी कर लेते हैं, मैंने कहा शादी कर लेते हैं, फिर उसने मुझे मेरी बीवी बन के पाला और अभी आज के कुछ इंटरव्यू में मेरा फ़ोटो खींच के उसने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और उसने मुझे बोला कि कम से कम जूते तो पहन लेता, क्रॉक्स पहन के चला गया। तो मुझे लगता है कि जो औरतें हैं ना, जो अभी डिस्कशन चल रहा था जिसमें मुझे शामिल नहीं किया गया, मुझे लगता है उनको बहुत फिक्र होती है हर बात की, वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनको हर बात की चिंता बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप अपनी बात कहना चाहें ना तो उनको सोचने का वक्त दे दीजिए, वो आपको बेहतर नज़रिया दे देंगी थोड़े समय बाद, ऐसा सोचता हूँ मैं। क्या बात है, वो तुम्हारी माँ की लाइन मुझे याद आ गई कि बेटा जा फिक्र मत करना, पिक्चर जरिए हिट है, वो जानती थी कि निकला है तो फिक्र तो करेगा, पराठा खिला दिया मतलब घर से निकला तो बोला बेटा फिक्र मत करना पिक्चर जरिए हिट है। पुष्पदीप भट्ट साहब कैसे ऑन बोर्ड आए, कैसे आपके प्रोड्यूसर बने? भट्ट साहब ऑन बोर्ड कैसे मैं कैसे ऑन बोर्ड आया? नहीं नहीं आप कैसे आए, मतलब कितने हजारों हैं सर, जहाज तो इनका था ना, जहाज तो इन्हीं का था, हाँ मुझे ऑन बोर्ड लाया गया। अच्छा आपको एज अ डायरेक्टर जी लाया गया? मैं एज अ राइटर आया था और फिर नहीं, मैं दरअसल मैं और मेरे दर्शक जी ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के जो महेश भट्ट के साथ काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास महेश भट्ट के लिए कहानी होगी जी, तो वो प्रोसेस मैं जानना चाहता हूँ। सर ये तो मिरेकल ही कहूँगा फिर मैं, अगर ऐसे प्रोसेस में जाएंगे तो, क्योंकि मैं तो कुछ मतलब लोगों से मिलता रहता था, प्रोड्यूसर्स को नरेशन देता रहता था, अभी मिलेंगे तब मिलेंगे, अच्छी फिल्म है ऐसा करो वैसा करो, तो वो सीसीडी की लिखी कहानी है जी जी जी, तो आप अपनी कहानी पिच कर रहे थे जगह 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 जगह, मैं और भी मैंने बहुत कहानी लिखी है लेकिन मुझे कहीं से भी कोई ग्रीन सिग्नल फाइनली मिला नहीं। तो और मैं अपनी वाइफ को हमेशा बोलता था कि एक दिन एक फ़ोन आएगा और सब बदल जाएगा, और वो ये लाइन सुन सुन कर उसके कानों में छाले पड़ गए थे कि भाई इसके आगे भी कहानी सुनाओ। और शादी से पहले आपके एक माँ बाप होते हैं, शादी के बाद एक और माँ बाप होते हैं, तो मेरे को चार लोगों को जवाब देना पड़ता था कि भाई पैसा नहीं है, वो कह रहे हैं भैया क्या कर रहे हो, छोड़ दो वापस आ जाओ दिल्ली, कुछ और काम कर लो, निफ्ट की नौकरी कर लो, तो और कुछ हो नहीं पा रहा था। तो फिर एक दिन पराठे खा रहा था मैं, संडे को बहुत मन था, खुद से बनाए मैंने आलू, आलू खाना बनाता हूँ मैं अच्छा काफ़ी, तो पराठे बना रहा था तो फ़ोन बज गया, ऐसे बहुत बार फ़ोन बजे थे, तो एक फ़ोन बजा और दूसरी तरफ कोई और आदमी थे, उन्होंने मुझे बोला कि भट्ट साहब बुला रहे हैं, मैंने कहा वो कौन है? महेश भट्ट। मैंने हैं, मेरा निवाला छोड़ा मैं भागा, और जैसा सर बताते हैं अक्सर कि बिना मोजो के और शॉर्ट हाफ पैंट पहन, हाफ पैंट पहन के आ गया था, मोजे नहीं थे और जूते पहने थे, ये 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 अजीब कैरेक्टर है। मैंने कहा था तुम करते क्या हो भाई जब काम नहीं करते? सर मैं बताऊँगा, सर मैं बताऊँगा, बताइए। अभी अभी क्या हुआ ना, अभी सर ने अपने गुरु का किस्सा सुनाया कि जब वो उनके ऑफिस में घुसे तो उन्होंने पहला सवाल क्या पूछा था, सर ने मुझसे जो पहला सवाल पूछा था वो एक गांधी की कहानी सुनाई, ये सुनाइए। और मैं पहली बार किसी मतलब एक एनर्जी से मिल रहा था जो इतना प्रभावित कर सकती है मुझे, नहीं तो मैं किसी की आंखों से डरता वरता हूँ नहीं, मैं आंखों में आंखें गाड़ कर बात करता हूँ, मुझे किसी से डर लगता, और मैं इनसे भी नहीं डरा था, मैं इतना प्रभावित हुआ था कि ये इतनी ऊर्जा कहाँ से निकल रही है इस आदमी को, क्यों पता है इतना सब, और मेरे दिमाग में मेरे सवाल चल रहे हैं और अचानक से मुझे बोलते हैं रुक रुक बता रहा हूँ तेरे सवालों के जवाब भी। मैंने कहा तो अंदर भी घुस रहा है और वहाँ बैठ रहा हूँ मैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो मुझे शुरू में लगा कि शायद भट्ट साहब सोच रहे हो कि नर्वस है ये, फिर मुझे लगा कि मैं बोलूँ क्या, इतनी कहानी तो इनके खुद के पास है, मैं कौन सी कहानी सुनाऊँगा। फिर फाइनली इन्होंने मुझसे पूछा कि फिर इन्होंने कमाल की बात बोली, वो गांधी की कहानी ख़त्म करते करते मेरे लिए क्या लाए हो,
मैंने कहा हाँ, बात तो यह है कि मैं इनके लिए क्या पका के लाया हूँ। तो फिर उसके बाद हमारी बात आगे बढ़ी, तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई आजकल क्या करते हो, कुछ बोल तो रहने हो तुम। मैंने कहा सर मैं 90 दिन हो गए हैं धूम्रपान डंडे का छोड़े हुए और डंबल उठा रहा हूँ आजकल, कुछ काम नहीं है करने को घर पे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है वेब सीरीज़ के लिए मेरे लिए कुछ लिख कर लाओ, उसके बाद फिर जलेबी और फिर डायरेक्शन। ऐसे नरेशन के बाद उन्होंने बोला कि तुम ही डायरेक्ट कर लो भाई। वो कहानी जो गांधी की है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक 90 साल के हमारे फादर इन लॉ हैं, उनके भाई साहब ने कहा था मुझसे, बात हो रही थी मुल्क के बदलते हुए हालात, जैसा हिंदुस्तान था जब हम जवान थे वैसा रहा नहीं, तो जब वो जवान थे। हाँ, तो उनसे मैंने पूछा कि भैया कि आपको क्या याद आता है, गांधी से मिले थे आप, मैंने कहा गांधी के जी के बारे में क्या याद आता। तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरा भाई और मेरी माँ गए थे गांधी जी को मिलने दिल्ली में उनके आश्रम में, तो जब पाँव छुआ जाके माँ ने बोला पाँव छुओ, तो पाँव छुआ तो गांधी जी ने पूछा, उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन था, मेरे लिए क्या लाया। तो हम समझे नहीं, तो उसने बुलाई, गांधी जी ने कहा कि इतना बड़ा आश्रम है मेरे पास तो है नहीं, कैसे चलेगा, क्या लाया। तो फिर माँ ने अपनी बंगड़ियाँ निकाली और पाँव पे रख दी, बोला हाँ। तो हमने कहा ये बात मुझे समझ में आई कि हमारे पास तो कुछ है नहीं अपना, तो क्या लाया, क्या तू अपनी ज़िंदगी से दिल्ली की सड़कों से कुछ लाया है, अपने जीवन को जी के कुछ लाया, क्यों वही काम आएगा। हमारे पास कहानियाँ अगर होती तो हम तुमको क्यों बुलाते। तो इसको बात समझ में आई, फिर ये दिल्ली की रूह जो है जी, जो उसने जी है अपने घर की जो एक की फिज़ा है उसकी बारीकियाँ बिल्कुल जमा करके उसने लाया है हमारे लिए जलेबी में। तो जलेबी कौन है, रिया की वरुण भट्ट साहब? क्या है रिया की कहानी, फौजी बच्चा? हाँ जी, मेडिकल कोर, एएमसी, एएमसी, पापा बंगाली, मम्मी कोंकणी, घर में बढ़िया थे इंग्लिश। खाना कैसा बनता है पहले तो ये बताओ, बाकी सब छोड़ो, फिल्म पे बात करते रहेंगे। मतलब ये दो बड़ा ऑसम सा बंगाली एंड कोंकणी, मतलब बस ब्रेकफास्ट में फिश ना मिलने की कमी है, बाकी तो फिश इतना ज्यादा है कि मैं घर के बाहर फिश खाऊं ही ना, मतलब टॉर्चर कर गया फिश खा खा के। इतनी मछली है मम्मी के साइड से भी पापा के साइड से भी ना, दोनों रिवर फिश एक सी फिश, उसमें लड़ाइयाँ चलती हैं कि ओ सी फिश की स्मेल आ रही है, ओ रिवर फिश की स्मेल आ रही है, ओ, तो ये चलता रहता है मेरे घर में। लेकिन हाँ मच्छी, बहुत अच्छी मच्छी मिलती है मेरे घर में। भटकना बहुत होता है फौजी बच्चों को जी, ऑलमोस्ट हर 1-2 साल में पोस्टिंग आ जाती थी, जैसे दोस्त बनते थे वैसे ही बोलते थे चलो जाएंगे शिफ्ट करेंगे। तो आगरा, अम्बाला, सूरतगढ़ जो राजस्थान में है, हाशिमारा, तालबेट, दीमापुर, बैरकपुर, दीमापुर, बैरकपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, पूना, बैरकपुर तो बड़ा मशहूर है, वही तो छावनी थी जहाँ से बिल्कुल मंगल पांडे जी। तो काफ़ी जगह रहना हुआ और पूरा इंडिया देखने को मिला, सारी इंडिया की सारी बातें, सब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह के एटीट्यूड्स जो देखने को मिले, उसमें बहुत मज़ा आया। फिर एमटीवी हो गया फिर एक्टिंग हो गई। ऐसे वैसे होता है क्या, ऐसे फिल्मों में ही दिखाते हैं कि वो लड़की छोटी है तो शीशे के सामने बाल संवार रही है और ऐसे फ्रॉक के फ्रिल्स घुमा रही है गोल 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 गोल, फिर अगले सीन में तो ये लोग बड़ा भी कर देते हैं। खैर नहीं, रियल लाइफ में तो मैं बड़ी तो अपनी अब भी नहीं हुई है, छतों पे बैठ के थूकने वाले कंपटीशन कर रही थी लड़कों के साथ और लड़कों से मार खा खा के आ रही थी। तफसील से बताइए जरा। ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक्चुअली काफी लड़का ही थी स्कूल में, अभी भी मतलब यू मीन आप दुष्ट और शरारती थी जिसपे लड़कों का एकाधिकार समझा जाता है। करेक्ट जी, नहीं कुछ ज्यादा ही थी, मतलब जो बॉयस्ट्रेस बोलते हैं ना, जो लड़कों में भी सबसे खराब लड़का होता है जो गुंडा होता है। अच्छा हाँ, मेरे दोस्तों के नाम थे छुरी और कांटा, ये मेरे दोस्त थे हम लोग। सच्ची स्टोरी है, अम्बाला, कहाँ पे? अम्बाला,
मैं अच्छा तो टंकियों पे चढ़ जाते थे, आर्मी में बड़े बड़े टंकियां होती है ब्रिटिश टाइम की जी, बहुत ऊंची होती है वहां जाने से, छावनी भी पुरानी है काफी, एक अंबाला कैंट बहुत सुंदर है, वहां चढ़ के ऊपर बहुत ऊपर जाना पड़ता था, किसी मम्मी मम्मी को पता चल गया तो डर के मारे घर में लॉक कर देंगे, वहां चार पांच लड़कों के साथ बैठ के देखते थे किसकी थूक कितनी नीचे चल रही है, मैं वो जीतती थी और मुझे बहुत मजा आता था वो जीतने में। फिर ये एक्टिंग का कैसे शुरू हो गया? ऐसी बड़े अजीब अनोखा किस्सा। क्या लिखती थी स्लैम बुक में जब छोटी थी, क्या बनना है बड़े होके? बहुत बकवास, एस्ट्रोनॉट, मरमेड, मतलब कभी पुलिस ऑफिसर, टीचर, नहीं नहीं ये बाकी सब छोड़िए, मरमेड कैसे बनना था ये बताइए, आई एम रियली इंटरेस्टेड। बचपन में वो एरियल का शो आता था डिज्नी पे, द लिटिल मरमेड, वो मुझे बड़ी सही लगती थी, वो नीचे रहती है उसके दोस्त मछलियाँ वछलियाँ, मुझे भी लगता था मेरे दोस्त मछलियाँ ही है ना, रोज उनको खाती हूँ। अच्छा लगता है, हालांकि बनना कैसे था? मुझे बनना था लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे, मैं सोच रही थी हो जाएगा लेकिन जब नहीं हुआ, तो तुम दुष्ट थी कि सिलबिल्ली थी? मतलब मरमेड बनना है तो बहुत ही सिलबिल्ली टाइप की, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था मछली खाते। मैं अभी भी किसी एक्वेरियम में देखती हूँ, मैं बोलती हूँ क्या लंच में दोगे क्या? ओह गॉड, डोंट डू दैट टू। वो संकट सिटी में एक सीन है ना जिसमें केके को मछलियों का बड़ा शौक है, उसने पाल रखी हैं, और वो विलेन जब आता है तो वो वही मछली निकाल देता है, तो ही लाइक इट्स लाइक कि कोई बिल्ली पाले, कोई कुत्ता पाले, कोई गाय पाले, आप उसको वही काट के दे दो, वो उसका उसका रिश्ता अलग है उससे। तो उसके लिए ना अभी आप वही पूछ रहे थे सिलबिल्ली या दुष्ट, तो मैं क्लियर कर दिया आपको, मेरा दोनों है, अब आप डिसाइड कर लो। अच्छा, मेरे डैड की मारुति बढ़िया अच्छी सी थी, मज़ेदार सी, उसके पहले टुनिगा टुनिगा आई थी राइट 2012 में, क्या आपको फिल्में ऑफर नहीं हो रही हैं, खास तरह की ऑफर हो रही हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप कर नहीं रही हैं, आप सिलेक्टेड फिल्में क्या है? तो मारुति के बाद मैंने ये सोनाली केबल करके एक फिल्म की, फिर जी स्वानंद भाई के साथ थी, हाँ जी देखी थी मैंने, उसके बाद एक फिल्म की थी बैंक चोर, उसके बीचों बीच एक दो फिल्में साइन की थी, एक तो रिलीज ही नहीं हुई, एक शेल्व हो गई, एक वो दो साल बाद रिलीज होने वाली थी, तो काफ़ी काम आया था मारुति के बाद, पर आई डोंट थिंक कि आई थिंक थोड़ा लक का भी फैक्टर होता है और खुद भी सीरियस होना ज़रूरी होता है, मैं थी नहीं सीरियस, मैं कुछ भी करती थी, मतलब थी नहीं आ गए, हाँ थी नहीं, अब हूँ। क्या कर लिया ऐसा? कुछ नहीं, बड़े हो गए यार, जिंदगी की ठोकरे खा लेते हो फिर समझ आता है कि काम करना है, काम मिलता मुश्किल से है, जब मुश्किल से कोई चीज़ मिलती है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, शुरू में धनाधन काम अपने आप ही आया जा रहा था, और फिर वो जो गैप आया उसने मेरे अंदर एक आग जलाई, फिर मुझे लगा कि हाय काम क्यों नहीं मिल रहा, शायद मेरी वजह से ही ना मिल रहा है, क्यों मैंने ही सीरियसली नहीं लिया, पर ऐसा नहीं है कि आप सीरियसली ले लो तो काम मिल जाता है, फिर सीरियसली लेने के बाद भी एक डेढ़ साल लगा, जब तक जलेबी आई, उसके बीच में भी एक और पिक्चर शुरू होके बंद हुई थी, और ऐसे लगा था कि हाय अब और आग नहीं चाहिए, आग तो भर गई है, पिक्चर चाहिए, पिक्चर में आग निकालनी है, और फिर आई थिंक डेस्टिनी होती है, आई थिंक विदाउट डेस्टिनी और लक के बिना भी मुश्किल है बॉलीवुड में काम करना या कुछ भी करना, आई थिंक लाइफ में ऐसा कुछ होता है क्या भट्ट साहब? हाँ, आप प्लान नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पर से अगला एक हाथ आएगा जो आपको थामेगा और फिर आप एक नई दिशा पे चल देंगे, मगर मेरा ये मानना है कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी एंड यू आर द कैप्टन ऑफ योर ओन सोल, एंड जो आप आज डिसाइड करते हैं उस पे निर्भर होता है कल। यस, देयर आर चांसेस दैट मोस्ट ऑफ द डिसीजन दैट यू टेक मे क्रिएट अनदर रिजल्ट, बट आई फील के क्योंकि कुछ हाथ में नहीं है तो ओनली थिंग यू कैन हैव इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाटएवर यू कॉल योर लाइफ। वो फेथ जो है ना, वो फेथ की एक बात कर रही थी मैं, कि जो फेथ है ना, वो जब आई थिंक बॉम्बे जैसी सिटी में आते हैं, इतने अनसर्टन प्रोफेशन में घुसते हैं, तो बहुत एक फेथ लेके आते हैं सब लोग, फिर बॉम्बे में ठोकर खा खो के जब पता लगता है कि अच्छा फ्राइडे, ऐसा नहीं 100 करोड़ नहीं बन जाती हर पिक्चर, शुरू में हर पिक्चर लगता था अब तो ये तो पिक्चर सुपर हिट होने वाली है, एक दो फिल्में नहीं चलती हैं या काफ़ी फिल्में नहीं चलती हैं तो आपको पता चलता है कि ओ इसमें तो कुछ और ही लगेगा, और वो फेथ मुझे लगा कहीं बीच में मेरा वो अंदर की लाइट होती है वो कम हो गई थी,
उसको वापस जगाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा और आई थिंक उनमें उसमें भट्ट साहब का बहुत बड़ा हाथ था वो लाइट को फिर से फ्यूल देने के लिए. और वो जब लाइट जल जाती है तो आई थिंक लाइफ अमेजिंग हो जाती है. इससे पहले कि मैं वरुण की तरफ अपना अगला सवाल लेके जाऊं, एक तो कॉम्प्लीमेंट है, आप दोनों लोग बहुत ही सहज लगे हैं फिल्म में. मतलब मैं यकीन कर सकता हूं कि एक लड़का और लड़की ऐसे बात करेंगे और ऐसे इश्क करेंगे, तो थैंक यू उसके लिए, आप सब लोगों को बधाई. और वो सीन भी बड़ा अच्छा लगा जिसमें ही सेज हाँ, तो शी सेज कि ये हाँ वाला हाँ है कि सिर्फ एक सवाल सवाल वाला हाँ है. बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुंबई आना चाहती हैं, उन्हें लगता है कि वो खूबसूरत हैं, उन्हें लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं और उन्हें एक्टिंग आती है या आ जाएगी, मॉडलिंग कर सकते हैं कुछ. क्या होती है ज़िंदगी, मतलब कितनी सुरक्षाएं, कितनी असुरक्षाएं, कितनी फैमिली बैकिंग, खर्चा चल रहा है नहीं चल रहा है क्या, मतलब क्योंकि मैं आपको एक स्टीरियोटाइप बता देता हूँ, सब लोगों को लगता है सारी हीरोइनें सुबह उठती होंगी, एक बहुत सुंदर सा बेडरूम होता होगा जिसके चारों तरफ ऐसे थोड़े से झीने पर्दे होंगे, गोल बेड होगा, खूब सारे कुशन होंगे, आपने पिंक कलर का सेटिन टाइप का कुछ गाउन पहन रखा होगा, फर वाले आपके वो जिसमें खरगोश बने होंगे ऐसी चप्पलें होंगी, सुंदर सा पर्ली सा पिंक शेड वाला एक बाथरूम होगा, बाथटब होगा, बबल्स भरे होंगे, फिर आप जिम जाएंगी, फिर आप बहुत सारे लोगों को फ़ोन करेंगी, फिर आप शाम को पार्टीज में जाएंगी ही छोटे छोटे कपड़े पहन के, जो स्टीरियोटाइप्स हैं यू नो, फिर आप कुछ एक स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगी, फिर आप अपने नाखूनों पे फूंक मारेंगी, ये लोगों को लगता है जो कि सच नहीं है. अब आप मुझे बताइए कि रिया का जो एक एक्ट्रेस है, क्या होता है एक डे का साइकिल, मतलब व्हाट ऑल शी डज, क्या स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, लिटरेचर पढ़ती हैं, मिलती हैं, सोचती हैं, पर्सनल फेथ कैसे बचा के रखती हैं, सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? आई थिंक मैं काफ़ी लकी हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ बॉम्बे में, तो अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती हूँ, ये इससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल नहीं सकता. जो लोग बॉम्बे आते हैं एक्टर बनने के लिए अकेले आते हैं, ज़्यादा करके माँ बाप से लड़ झगड़ के आते हैं क्योंकि सब बोलते हैं बावला हो गया है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रही है. उनके पास ना इमोशनल सपोर्ट होता है ना फाइनेंशियल सपोर्ट, मेरे पास दोनों थे. और जब मैं बॉम्बे आई थी तब मुझे MTV में नौकरी मिली थी, तो वो भी एक सपोर्ट, काम का सपोर्ट था. उसके आगे मुझे कुछ और करना था, ये तो ऐसे वाली बात हो गई, इसमें ऐसा कोई स्ट्रगल था नहीं जो एक्चुअली लोगों का होता है जो बॉम्बे आके आराम नगर में 5 लड़कियां एक कमरे में रहती हैं. तो असलियत वो है, आई थिंक मेजॉरिटी लोग वैसे आते हैं और दिन में रोज़ 4 बंगला महाड़ा जाके ऑडिशन देते हैं, नॉक करके बोलते हैं डू आई फिट द पार्ट, और ज़्यादा करके लोग बोलते हैं नो यू डोंट. तो ये असलियत मैंने अपनी आंखों से देखी है, काफ़ी लोगों को ऐसे जानती हूँ जो ऐसा है, बिल्कुल रोज़ गोल्ड और फरी तो है नहीं, इतना तो आई थिंक सबको पता ही है कि नहीं है. आई थिंक अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ पिक्चरें करने के बावजूद एक और पिक्चर मैं अभी कर रही हूँ तो भी ये लाइफ नहीं है बिल्कुल भी, और थैंक गॉड नहीं है, किसी को ये लाइफ नहीं चाहिए. एड्स वगैरह में बहुत अच्छी लगती है लेकिन इट्स नॉट फाइन इन द रियल लाइफ. काम बहुत करना पड़ता है, बॉडी अच्छी रखनी पड़ती है, उसके लिए जिम जाना पड़ता है. हमेशा सुंदर दिखने का दबाव हाँ है, पर आई डोंट थिंक मैं पर्सनली इतना लेती हूँ, पर बहुत लोग इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं. मुझे लगता है कि ठीक है, कभी कभी नहीं भी दिख गया सुंदर तो चल जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि कोई बात नहीं आज बैड डे था. ये आराम नगर वाला सिलसिला कुछ आगे बढ़े है जो इन्होंने बताया, चूँकि आपने वो ज़िंदगी खूब जी है. सौरभ हाँ सौरभ, मैं जब कास्टिंग वगैरह कर रहा था तो मैंने बहुत सारे चेहरे देखे हैं जिनकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं, और मुझे तरह कैसे होंगे अभी भी, अब जब मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, भट्ट साहब ने हाथ रख दिया है, तो जब भट्ट साहब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो चलिए यहीं पे भट्ट साहब के मुताबिक अपनी तैयारियां और एक हाथ आता है और इनके मुताबिक किस्मत पे थोड़ा सा भरोसा है जी. तो किस्मत शुरुआत में कुछ ऐसे संकेत दे रही थी कि 2016 में एक फिल्म आएगी काश नाम की, 16 था रिलीज टेंटेटिव जी, इरफान और मीरा नायर प्रेजेंट करेंगे जी. क्या थी फिल्म? फिल्म का नाम काश था
उसका ईशान नायर उसके डायरेक्टर थे और वो मेरा डेब्यू होना था, मगर हमको मालूम था कि वो एक मतलब फेस्टिवल्स के लिए पिच की जाएगी पहले, तो टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में उसका प्रीमियर हुआ, उसके बाद न्यूयॉर्क गई, एलए गई, मामी आई। आप भी गए इन सब जगहों पे? मैं सिर्फ टोक्यो गया था जब वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था टोक्यो। सुना बहुत पैसे खर्च होते हैं वहाँ पे खाना वाना खाने, बड़ा महंगा शहर है, जीके की किताब। टोक्यो में भिंडी सुना था जमाने, हम गए थे 87 में, 20 रुपए की एक भिंडी, अशोका होटल था वहाँ पर। तो वहाँ का हमारा जो हंजामा था वहाँ का, वो कहीं बिहार का था, तो उसने कहा भाई साहब एक बात बताओ कि भिंडी रहे कितने की हुई, कितने की? 20 रुपए की एक भिंडी है, महंगा खाना बहुत महंगा शिंजीकू में। सब कुछ महंगा है वहाँ का, रहना महंगा है, खाना महंगा है, पीना महंगा है, सब कुछ महंगा है। तो उसके बाद मामी वगैरह फेस्टिवल्स हुए और उसके बाद मतलब हमें बोला गया था कि रिलीज होगी, बट मतलब अभी भी उसके इंतजार में ही है रिलीज होने के। बट हैविंग पैसा बहुत है प्रोड्यूसर के पास, क्यों नहीं रिलीज कर रहे? पता नहीं सर क्यों नहीं रिलीज कर रहे, वो बताइए कौन है? शैलेश सिंह प्रोड्यूसर है। हाँ, उन्होंने काफ़ी पिक्चरें बनाई हैं, तन्नु वेट तन्नु बनाई है, सिमरन बनाई है। आई थिंक जो चक्कर ये था कि जो पिक्चर है वो सिमरन में इतना डूब गया कि उभर ही नहीं पा रहा। वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा जी। बट हमको ये मतलब थोड़ा बहुत मालूम भी था कि बेसिकली फेस्टिवल फिल्म ही है, क्योंकि हाफ इंग्लिश है, हाफ हिंदी है, म्यूजिक भी उसका कुछ ऑफ बीट है, और वैसे भी हम सब न्यू कम, वो सारे न्यू कमर्स थे ज़्यादातर, कल्की को छोड़ के। तो हमें मालूम था कि मतलब थोड़ा गुंजाइश कम है इंडिया में रिलीज होने की, मतलब एज अ बॉलीवुड सॉर्ट ऑफ फिल्म। हाँ, पर अब तो ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न, हॉटस्टार ये सब आ गया। अब आए ना, उस टाइम पे इतने जोरों पे नहीं थे वो, तो शायद अब अगर मतलब वो नेटफ्लिक्स या अमेज़न से कुछ बात करें तो शायद अभी भी रिलीज हो जाए। तो फिर क्या करते थे अभी, कैसे फिल्म मिली आप? ये आपके दोस्त हैं जी, या आप महेश भट्ट को पहले से जानते हैं, तो कैसे मिलती फिल्म मिलती है, हीरो कैसे बनते हैं? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था पहले। कैसे बनते हैं हीरो बताइए? इसके लिए थोड़ी सी बेवकूफ़ी चाहिए पहले, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, एक पागलों वाला ड्रीम लेके कि मुझे हीरो बनना है। क्या छोड़ के गए? दिल्ली से कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहे थे, मॉडलिंग करने लगे हैं। वाह जी। तो मैं वहाँ पे पहले नौकरी कर रहा था, एक बहुत कंफर्टेबल था उस नौकरी में, एक एक्सपोर्ट हाउस के लिए काम करता था, एक फ्रेंच डिज़ाइनर के लिए। तो वहाँ पे 6 साल काम किया मैंने, उनका पूरा यूनिट संभाल रहा था, अच्छी खासी सैलरी थी, बहुत अच्छे बॉस थे, ट्रैवल करता था उनके साथ। बट फिर एक पॉइंट आया जब मतलब रिसेशन आ गई, और जो मेरे बॉस हैं उन्होंने नए ब्रांड्स में, नए बिजनेस में पैसा डालना थोड़ा बंद कर दिया, तो मेरे लिए थोड़ा बोरिंग हो गया उस टाइम पे। तो उसके मतलब बोरिंग होने की वजह से मैंने साथ साथ थोड़ी बहुत मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, और फिर मतलब पिछले लास्ट दो साल ये आप लोग ऐसे बताते तो कहानी बड़ी सरल लगने लगती है कि हाँ बोर हो रहा था तो मॉडलिंग शुरू कर दी, इसने तो निकल दी, ये तो रात दिन बाल कटाता रहता है अपने। कैसे शुरू कर दिया आप? लोग फितूर पालने लगते हैं फिर, यहाँ यार उसने भी वैसे मॉडलिंग शुरू कर दी थी, मैं भी कर दूंगा। जो सच्ची बात है वो बताता हूँ, मैं उस टाइम पे चेन स्मोकर हुआ करता था, जो एक्चुअली हुआ सीन, ठीक है, चेन स्मोकर हुआ करता था मैं, और मतलब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई मुझे, तो मुझे सिगरेट छोड़नी पड़ी। अब सिगरेट जब छोड़ी तो मतलब एनर्जी इतनी हो गई और मतलब कुछ ना कुछ करने को चाहिए था, उसकी वजह से मैं काम 8-8:30 बजे ख़त्म करता था, फिर भी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती थी, तो मैं जिम जाना शुरू किया। किसी ने बोला, मेरे बॉस ने एक्चुअली बोला कि तू जिम जा और मतलब वहाँ पे अपनी एनर्जी सारी निकाल, किसी को मार पीट तो सकता नहीं है। तो मैं जिम जाना शुरू किया 2-2.5 घंटे, तो जिम जाते जाते थोड़ी बहुत बॉडी बन गई। मेरा उस टाइम एक दोस्त था जो ईशान नायर है, जो जिसने काश डायरेक्ट की है जी, वो उस टाइम फोटोग्राफर बना था, तो उसने बोला कि मैं लड़कियों को तो शूट कर ही रहा हूँ, आजा तू भी आजा, तेरे को भी शूट कर लेता हूँ। तो मतलब एक वो हीरो और कैमरा के सामने रहने की इच्छा तो थी, तो मैंने बोला चलो करते हैं। तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स लिए, और जिस काम में था मैं बैग्स बनाता था, वुमेन के बैग्स बनाता था, उसकी वजह से मैं मैगजीन्स के फैशन एडिटर्स को जानता था। तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स उनको अपनी मतलब बहुत शर्मिंदा होके भेजी, शाय होके भेजी, और उनमें से किसी एक ने मुझे बुला लिया शूट के लिए। बस वैसे फिर कहानी शुरू हुई, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। आपने इनके झोलों पे कभी कमेंट किया है? झोलों पे बैग, सॉरी, ओ नहीं, मैंने कभी कमेंट नहीं किया। इनके बहुत सिंपल होते हैं, हम लोग बहुत मतलब वो अजीब किस्म के बैग्स बनाते थे,
मतलब वो एकदम हैवी एम्ब्रॉयडरी, जिनको देख के लोग डिप्रेशन में आ जाए हैं, नहीं तो, हाँ हाँ ये वो एक बड़ा प्यारा गाना है ना, सनस्क्रीन सॉन्ग, उसमें वो कहता है कि ये फैशन मैगजीन्स को देख के मत जिए, ये आपको डिप्रेस कर देंगे है? कारोबार है वो तो सुंदरता का। एक सवाल है जो मेरा आप सब से है ना, और आपके पास दो विकल्प हैं उनके जवाब देने के। एक कि आप बहुत ही दार्शनिक, जो कि अमूमन इंटरव्यूज में दिया जाता है, वैसा जवाब दें, आपकी चॉइस है। दूसरा, आप बहुत अनगढ़, कच्चा लेकिन सच्चा जवाब दें, जो कि किसी वाक्य के वर्क में लिपटा हुआ हो सकता है, क्योंकि अंततः तो सिर्फ कहानियां ही रह जाती हैं जहन में। प्यार की कहानी है ना, प्यार की टकराव कहानी, कौन सी कहानी है आपकी डायरेक्टर साहब जिसने आपको गढ़ा, जो जो उतरती नहीं मेरी जिंदगी की? जी, और एक तो आप सलाम कहिएगा अपनी पत्नी को मेरी तरफ से। मैं बार बार लगातार कहता हूँ कि आप मतलब कितना ही शुक्रगुजार हो जाएं, आप इस जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, आप औरत नहीं हो सकते, तो इसलिए एक पायदान तो आप नीचे रहेंगे ही। हाँ, वो आप कुछ भी कर लें, और इसीलिए कई लोग कोई कहते हैं कि मैं प्यार करता हूँ तो औरत हो जाता हूँ, मैं ना उदारता नहीं हूँ, और वो आपका आपका सहारा बने हुए, सब कुछ बने हुए, और तमाम घिसे पिटे मुहावरों को झुटला रही हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन वगैरह वगैरह वगैरह, उनको खूब सारा सलाम, क्योंकि किसी एक के सपनों को ईंधन देने के लिए किसी दूसरे को बहुत जलना पड़ता है। यस, डेफिनेटली। जी बताइए, प्यार की कहानी जलेबी सा है, गोल गोल लेकिन मीठा, जल्दी खा लो तो जीभ जल जाए, देर तक खाओ, देर से खाओ तो पारा जम जाए भीतर, है चाशनी जम जाए। कहाँ से निकाल रहे हैं? प्यार की कहानी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबकी कहानी प्यार से ही शुरू हुई होगी, क्योंकि मैरिटल रेप भी एक सच्चाई है, पर हमारे माँ बाप ने प्यार किया और हम पैदा हुए जी, जी, तो सब कहानियाँ प्यार से ही शुरू होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे स्कूल कॉलेजेस में ऐसे इधर उधर आशिकी तो होती रहती थी। नहीं, मुझे आर्चीज और स्लैम बुक वाला नहीं चाहिए, एक जो भीतर धस गया हो। हाँ, उस भीतर तक पहुँचने के लिए ये आर्चीज वाला भी चैप्टर चाहिए होता है ना। हाँ, तो वो दो लाइनों में निपटाया। जी प्लीज। तो ऐसे ऐसे इश्क मुश्क बहुत सारे इधर उधर हुए थे, लेकिन फिर एक बार क्या हुआ कि मैं स्टेज पे था और वहाँ पे कुछ मेरे जूनियर्स थे जो तृप्ति मेरी वाइफ की रैगिंग ले रहे थे, और उसकी एक फ्रेंड थी वो उसके बगल में खड़ी थी, तृप्ति बिशप कॉटन की है, उसने बैंगलोर में 2 साल बिशप कॉटन किए। वो तो उसकी फ्रेंड ने उसे बोला कि जब तुझसे पूछा गया, वो तेरे से सवाल पूछ रहे थे, तो तूने उसे उन्हें ये क्यों बोला कि तू भागलपुर बिहार से है, तुझे बोलना चाहिए था वो तू बिशप कॉटन बैंगलोर से है, तो क्यों बता दी कि तुम बिहार से है। तो उसने उसको गुस्सा आ गया और मैं वहीं स्टेज पे खड़ा था, और उसने उसको क्या जवाब दिया कि क्यों मैं कैसे भूल जाऊंगी मैं कहाँ से हूँ, तुम बोल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मैं बिहार से हूँ। प्यार हो गया था। भट्ट साहब, कितनी कहानियाँ, कितने लोगों को इश्क करने की तमीज सिखा दी आपने। मुझे वाकया चाहिए, कितनी मोहब्बतों ने महेश भट्ट को बनाया है, संवारा है, समझ दी है। एक वो शिया मुसलमान औरत जिसने मुझे गणेश जी की कहानी सुनाई, शिव जी की कहानी सुनाई, मगर वही गणेश जी जो आपके तकिए के नीचे रखे हाँ, रहते थे। और मगर जब वो गई तो तन्हा अकेला शिरीन मोहम्मद अली के नाम से गई है, जिसको मैंने दफनाया, क्योंकि मेरा बाप उससे प्यार तो करता था मगर समाज में उसने उसको स्थान दिया नहीं, बीवी का, जिसने कहा मुझे कि बेटा जब मैं बीमार थी तो मैं बड़ा फिक्र करता था कि मर जाएगी क्या, ये मुझे कामयाब नहीं देखेगी। तो उसने बुलाया मुझे, नज़दीक हॉस्पिटल में था, नज़दीक बोला इधर आ, क्या डर लग रहा तेरे को? बोला हाँ। क्यों? मतलब मर जाएगी तो क्या तू? इसे मेरे घुटने छिल गए हैं नमाज पढ़ते पढ़ते, मेरा खुदा मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, अब तो मुझे तुझे कामयाब देखना है, जब तक तू कामयाब होता नहीं ना तो मैं मरने वाली नहीं। और वो मरी नहीं। उसको मैंने इतना सुकून दिया
इतनी खुशी थी कि जब अर्थ बनी तो उसने कहा बेटा जीता रहे, तूने मेरा बुढ़ापा सफल कर दिया, ना मिले मुझे स्थान उसकी बीवी का, मगर मुझसे ये हक कोई नहीं छीन सकता कि तू मेरा बेटा है, मैं महेश भट्ट की माँ हूँ, वो मेरी डिफाइनिंग लव स्टोरी है, उसके बगैर महेश भट्ट कुछ है नहीं। आप ये सब बता रहे थे तो मुझे वो भी आपका कहा याद आ गया कि गणेश के साथ इसलिए भी तादाद में क्योंकि वो भी अपने बाप से अनजान था। हाँ कि मुझे याद है कि मुझे गणेश जी से बड़ा प्रेम था, मुझे शंकर मेरा नाम था, महेश महाईश, मैंने अपनी माँ से पूछा माँ ये मेरा नाम का मतलब क्या, बोला अपने बाप से पूछने वाला कभी जब भी कभी कभी कभार आता था वो, तो उन्होंने पूछा कि पूछता है तुम्हारा बेटा के नाम महेश का मतलब क्या, उसने कहा महाईश, देवों का देव महाईश। मगर जब कहानी सुनी थी हमने शिव जी की तो उन्होंने कहा था कि पार्वती नहाने गई तो गणेश को बिठा के गई तो ये आया, तो उसने कहा मुझे जाना, तो बोला नहीं तू नहीं जा सकता, तो उसने उसका सर काट दिया। तो कुछ हमारा एहसास अपने बाप को लेके ऐसा था, तो हमारी आइडेंटिफिकेशन गणेश जी के साथ भी, तो हमने कहा माँ मेरा नाम गणेश कर दो ना, तो बोला महेश हो गया बेटा तेरा नाम गणेश। रिया जी तो बहुत इमोशनल कर दिया है दोनों ने, ये होता रहता है हमारे साथ। तो, सच्चे प्यार की कहानी नहीं नहीं प्यार सच्चा ही होता है, ये दरअसल ये बड़ी गड़बड़ हो गई कि हाँ शुद्ध देसी घी मिलता है, अरे देसी घी शुद्ध ही होना चाहिए, नहीं, नहीं, सच्चा प्यार झूठा प्यार नहीं होता, होता है नहीं, वो फिर प्यार नहीं है, करेक्ट है, हाँ सही बात है। एट्थ बी में थी मैं, एट्थ बी में थी अब ये है सच्ची कहानी, सेंट क्लेयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा कैंट, फ्लैशबैक, इंग्लिश क्लास चल रही थी, इंग्लिश लिटरेचर, शमिता मैम बड़ी हॉट थी, हॉट है पता नहीं कहाँ है, मुझे बहुत पसंद भी करती थी लेकिन मुझे थोड़ा हेट भी करती थी क्योंकि मैं ओवर स्मार्ट थी, मैं सारे जवाब पहले दे देती थी और मुझे लगता था कि बहुत बकवास करती हैं चलो निकलो टाइप्स, कि मतलब मुद्दे पे आओ ना, मतलब अपनी बात मत करो, यू आर ऑलवेज अ बुली, कह सकते हैं ये बेटा हाँ बोल रहा है। मैंने बोला ही नहीं, राम ने पकड़ लिया। फिर एक लड़का था मेरी क्लास में एट बी में, पारस शर्मा, उसकी क्लास में तीसरी बार वो एट बी में था, उसको होना था इलेवेंथ बी में पर वो एट बी में था, और वो प्यार करता था मुझसे, उसने कभी कुछ बोला नहीं, उसने कभी मुझसे बात भी नहीं करता था, और सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि रिया आ गई, पर वो ऐसे ना नीचे देख के चला जाता, तो गुस्सा आता था कि सब लोग ऐसा क्यों मजाक उड़ाते हैं। उस दिन क्लास में ऐसा था कि हुएवर हैज नॉट गॉट द डिक्शनरी प्लीज स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास, क्योंकि उसको पता था शमिता मैम को कि मैं डिक्शनरी नहीं लाई हूँ, डिक्शनरी का काम था नहीं, मुझे सारे वर्ड्स आते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं जैसे खड़ी हुई पीछे से पारस शर्मा आया, बिना कुछ बोले अपनी डिक्शनरी रख के क्लास के बाहर चला गया। क्या बात, क्या बात। और मैं जाने वाले लगा डिक्शनरी, फिर मैंने देखा वो गया, फिर मुझे लगा कि यार सही है, ये होता है प्यार। एट्थ बी तो ये उसकी तरफ से ट्रू लव था बेसिकली। हाय पारस शर्मा, वेरेवर यू आर, बिग किस। सिलविल्ली है पूरी है। तो तुम एट बी में थे, मैं एट ए में था। अच्छा। एट ए से फिर नाइन ए गया, नाइन्थ या टेंथ की बात है मुझे याद नहीं है। एक लड़की थी उसका नाम था चांदनी अरोड़ा, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी अब, और आई हैड अ क्रश ऑन हर फॉर आई थिंक 3-4 years, और मैं बहुत शॉर्ट था स्कूल में, मतलब 12वीं के बाद मेरी हाइट निकली ना, चिकना था एकदम। थैंक गॉड, आई शुड प्रे टू गॉड एवरी डे। तो वैलेंटाइंस डे था, जो बचे कुचे पैसे थे मेरे पास, मैं उससे फ्लावर वाले के पास गया और उससे मैंने बोला कि मुझे 100 रोज़ चाहिए, 100 रेड रोज़। तो उसने बोला बट रेड रोज़ जो हैं वैलेंटाइंस डे पे ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उसने मुझे 72 या 73 रेड रोज़ दिए। मैंने बोला चलो इससे काम चला देते हैं, जो बचे पैसे थे उस पर मैंने चॉकलेट्स खरीदी और बुके के ऊपर ऐसे डाल दिया, और फिर मैं दिल्ली गई हूँ। तो मैं सोमविहार से एक बस, उसके बाद पैसे बचे नहीं थे, सोमविहार से एक बस पकड़ी
और गुड़गांव के बॉर्डर तक थी वो बस या कुछ ऐसा था. तो गुड़गांव के बॉर्डर से मैं DLF फेज 3 में उनके घर तक चल के गया, वो 100 रोज़ जो भी 72 रोज़ लेके. और उनका एक बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे, जो बॉयफ्रेंड अपना बुके छोड़ के चला गया था. और उसमें मैंने देखा, जब अंदर घुसा तो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स थी उसमें. बट फिर चांदनी ने मेरा चेहरा देखा कि थोड़ा वैसा हो गया था, उसने मुझे बोला बट आई लाइक योर बुके मोर देन हिज. तो उन्होंने मेरी, मतलब वो वैलेंटाइन डे मेरे लिए सबसे कौन से टाइम जोन में ये चीजें हो रही थी यहाँ पर. The story of 72 roses. क्योंकि हम मित्र साहब जिस जगह से आते हैं ना, वहाँ पे अगर इस कहानी, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, बैंडिट क्वीन वाले इलाके से, तो वहाँ पे लड़का जाता और उसको दिखता ना, तो पहले तो वो लड़के को पकड़ के और उसकी धुनाई करता, फिर उसकी चॉकलेट निकालता है, अपने बुके में खोजता और फिर लड़की को देता. और देने के पहले हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग सिगरेट का, वहाँ का रिप्लेसमेंट होता है कानपुर झांसी का, गुटखा बहुत खाते हैं वहाँ. बहुत मत खाया करिए, मुँह का कैंसर होता है, दांत गंदे होते हैं, लड़कियों को पसंद नहीं होता है, और आप चाहते हैं कि लड़कियाँ आपको पसंद करें, इसलिए भी नहीं खाती, और हेल्थ के लिए बुरा होता है. तो लड़कियाँ आपसे प्यार करें, इससे पहले आप खुद से प्यार करिए. तो वो गुटखा थूकता और उसके बाद 2-4 रपेटे मारता और फिर हो सकता है उसके से गुलाब निकाल के अपने 101 कर लेता और उसके बाद वो अपने जलेबी जैसे इश्क को मुकम्मल करता है. अच्छा, मैं गुड़गांव में ही था फिर. हाँ, इसी हैप्पी नोट पे ये बातचीत खत्म करते हैं. आप लोग लल्लनटॉप के अड्डे पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिल्म के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. हमको जाना पड़ेगा, लेकिन क्या है, पिछले तो करते रहेंगे, आएंगे आपसे जी इंशाल्लाह, जरूर मुलाकात होगी. और मीटू का वक्त चल रहा है, तो जर्नलिस्टिक कंपल्शन कहता है कि मैं इनसे जवाब मांगू, पर ये लोग पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें बोल चुके हैं. हाँ, आप ही को बोल चुके हैं. और आप आदमी हो, औरत हो, आपके साथ कभी भी कोई भी कुछ भी गलत करे, एड़ियां धसा के विरोध करिए, क्योंकि आप सिर्फ एक जिस्म भर नहीं है. हमेशा याद रखिए. शुक्रिया.